हाँ तो प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका था और चूंकि ऑनलाइन नहीं पहुंचा तो इसलिए इसको पहुंचा रहा हूं। फर्स्ट डे ऑफ ऑप्टिक्स, फर्स्ट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद तो आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है? तो इस वीडियो को देख के यहां तक अपडेट करके ऑफलाइन में यहां पे पहुंचे हैं। हाँ, और जो दूर के बच्चे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे सारा ब्यौरा दिया हुआ है। लाइट यानी कि एक एनर्जी। अब इधर से इधर जा रही है तो एज्यूम करो बारीक बारीक थ्रेड्स से मिलके वो लाइट बनी है। थ्रेड्स यानी स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ एनर्जी, सबसे स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड रे। अगर रे वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके और अधिक भाग नहीं किए जा सकते। हां, बहुत सारे रे मिलके एक बीम बना सकती हैं, बीम के भाग किए जा सकते हैं, रेज के भाग नहीं किए जा सकते। ओके, रे बहुत ही बारीक, सुई की नोक से भी बहुत छोटी। दिस इज इफ मिरर एंड दिस इज वॉल या ग्रीन बॉडी मॉल। फ्लैट है, हर पॉइंट पे नॉर्मल पैरेलल आएंगे। हर पॉइंट का मतलब लेंस से मैग्नीफाइड करके देखो, हर पॉइंट जहां रे पड़ेगी, रे कहां पड़ेगी, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट पे पड़ेगी। उसे देखने के लिए इसको मैग्नीफाइड करना जरूरी है, और इसको मैग्नीफाइड करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, कहीं ऐसे जाएगा नॉर्मल, कहीं ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा, कहीं ऐसे जाएगा। बस ये अंतर है रफ सरफेस और प्लेन सरफेस में। यहां आने वाली रेज बिल्कुल पैरेलल ही चल जाएंगी, जो यहां आने वाली रेज अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस से पड़ेंगी, इसलिए डिफ्यूज जाएंगी। अलग अलग आई तो अलग अलग आर, डिफ्यूज जाएंगी। यही रीजन है वॉल में, छत में, फर्श में हम अपनी इमेज नहीं देख पाते, जबकि रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन डिफ्यूज होकर होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म है, जो कि मैग्नीफाइड करके नजर आ सकते हैं, तब उन पॉइंट्स पे नॉर्मल्स अलग अलग नजर आएंगे। समझ रहे हो बात? बाकी टेंथ में भी आपने पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन शुरू होता है इन दो तीन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। रे कैसे कहते हैं, जब एक बीम पड़ेगी तो उसमें बहुत सारी रेज आ रही हैं, अगर मिरर पे पड़ रही हैं तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जैसे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक जैसे होंगे। पर जब वॉल पे पड़ेगी या फर्श पे पड़ेगी या टेबल पे पड़ेगी या ग्रीन बोर्ड पे पड़ेगी, एक बीम यानी बहुत सारी रेज, तुम्हें रेज जिन जिन सुई की नोक वाले पॉइंट पे पड़ेंगी उन पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग है, तो आर भी सब अलग अलग हो जाएंगे। बस इसका एक बेसिक नॉलेज रखिए बस, एंड स्टार्ट द चैप्टर ऑप्टिक्स का यूनिट नेम और फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फर्स्ट चैप्टर लेसन नेम, फर्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक सरफेस बना दीजिए, इस पॉइंट पे इंसिडेंस होना है, यहां के नॉर्मल के ऊपर विचार कीजिए। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों में, सारे एंगल्स नॉर्मल से नापे जाते हैं। ये रे इंसिडेंट हुई यहां पर, और आप जानते हो इतना एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये रे मैंने ऐसे ऐसे नहीं बनाई, इस ग्रीन बोर्ड से चिपके चिपके बनाई। नॉर्मल भी इस ग्रीन बोर्ड पे चिपके चिपके आया,
यानी कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में, प्लेन ऑफ रेनबो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से चिपके चिपके जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। लिखिए नंबर वन, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन लॉज और रिफ्लेक्शन बना के पहले डायग्राम बना देना, तब लिखना। नंबर वन, इंसिडेंस रे नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद आई इक्वल टू आर। ओके, इसके अलावा यहां जो कल बैच चला था उसमें स्फेरिकल मिरर का नामो निशान भी नहीं लिया गया, ना इस वीडियो में लिया जाएगा, कुछ नहीं। आपको केवल प्लेन मिरर से संबंधित सारी जानकारी हासिल करके इसके न्यूमेरिकल्स में कूद जाना है। प्लेन मिरर, एक तरफ जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर इमेज होगी, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ये डिस्टेंस अगर कम हो रही है किसी रेट से तो ये भी उसी रेट से कम होगी, बढ़ रही है किसी रेट से तो ये भी उसी रेट से बढ़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो प्लेन मिरर से संबंधित न्यूमेरिकल्स तुरंत कर लें, इसके बाद ये रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट हो जाएगा। आज आपकी क्लास जब ऑफलाइन चलेगी वहां से, ओके, और दूर क्लास वाले बच्चे मुझसे तुरंत कॉन्टेक्ट कर लें ताकि साथ साथ उनके लिए वीडियो बनाया जा सके। ओके बच्चों, जय हिंद।